वो भी एक बहुत साथ ईजी है मेरे लिए। जा जा झूठा, मेरे को कह रहा था कि भाई बहुत खराब पेपर गया, पास हो जाऊं, वो बोलता है। अरे अब तू कैमरा देख के कह रहे हैं पेपर बहुत अच्छा। हाँ झूठे, चल झूठा तू। अभी अभी कह रहा था, पिछली वीडियो में इसकी डालूंगा, अभी कह रहा था। तो देख लो ये बच्चों के रिएक्शन। पेपर ये साल होने पता नहीं क्या पेपर है, क्वेश्चन नहीं आया, कहते हैं पास करा देंगे पास करा देंगे। अपने बच्चों से बात करी है, उनसे यही पता लगा है कि आज का जो पेपर है साइंस का वो काफी टफ आया है और बच्चों को देने में काफी प्रॉब्लम हुई है। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज गोविंद जी का पेपर है भाई, मार्क्स बता के आएगा वीडियो में। तो आज कौन सा पेपर है इधर? आज साइंस का पेपर। क्या रही इसके टाइम अभी हो रहा है 9:30 और हम भी फुल रेडी हैं घर से निकलने के लिए। तो आज का गोविंद का पेपर कैसा जाएगा ये जानने के लिए ब्लॉग में बने रहे। और तो जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम सेंटर छोड़ने। ये अपनी जो गाड़ी है वो रेडी है, गोविंद की वेट हो रही है, बस गोविंद बाहर आए और हम चले। और चलो गोविंद को छोड़ने चलते हैं। आज साइंस का पेपर है वो मुश्किल होता है, वैसे साइंस सब्जेक्ट तो मुश्किल है, पर होप करते हैं कि उसका पेपर काफी अच्छा जाए। गुड लक द बेस्ट। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी जो है वो ऑफ, तो यही संदेश हमको मानना चाहिए। हम सारे ये सब चीजें करेंगे तो जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो सकेगा। बाकी सब लोग भी जो पेपर देने जाते हैं गुरुद्वारे जरूर होके आया करो, पेपर देने से पहले अरदास करा करो कि पेपर अच्छा जाए। तो गोविंद और पापा भी अभी गए हैं गुरुद्वारे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंद के एग्जाम सेंटर पे जहाँ पर उसका आज एग्जाम होना है, और अब बस चलते जा रहे हैं। वहां पहुंच के मैं आपको वहां का नजारा दिखाता हूँ, वहां दिखाता हूँ कि बच्चों के मन में कितना कॉन्फिडेंस है, कितने बच्चे डरे हुए हैं पेपर को लेके, पर डरना नहीं चाहिए, पेपर है, हो जाएगा आराम। सब बच्चों का भी आज इसी एग्जाम सेंटर पे जो है वो एग्जाम है साइंस का, है ना। ऑल द बेस्ट सब बच्चों को। थैंक यू भैया, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दो, फिर मिलते हैं। तो ये अपना भाई गोविंद जा रहा है एग्जाम देने। तो देख सकते हो अभी एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 10:10 और बच्चे जो है वो ज्यादातर लेट ही एंट्री मारते हैं एग्जाम देने भी, और इसलिए अभी भीड़ नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा 10:30, 10:40 वैसे वैसे बच्चे फटाफट भागते भागते अंदर जाते जाएंगे। तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 10:45 और मेरा भाई जो गोविंद है वो चला गया है एग्जाम देने एग्जाम सेंटर के अंदर। और अभी आप देख सकते हो कैसे सारे पेरेंट्स खड़े हैं वेट में, ये सभी पेरेंट्स जो है वो अपने अपने बच्चों। देखो बस थोड़ी देर रह गई है, 10 मिनट ही रह गए हैं गेट क्लोज होने में, और बच्चे देखो अभी भी फटाफट बजा रहे हैं। 2-3 मिनट देख लो, टाइम से आना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में आप सबको। तो अभी हम एग्जाम सेंटर पे थे और भाई अभी मिलने आया था हमें, और भाई से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। भाई भी ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। हाँ थैंक यू, आप भी करें सब्सक्राइब भाई को फुल सपोर्ट। तो गोविंद जो है वो अभी एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहा है और हम चल रहे हैं अब अपने घर की तरफ, उसको लेने आएंगे 1 बजे के करीब, है ना, 1 बजे के करीब लेने आएंगे, फिर वहाँ आप सबको और बच्चों से मिलाऊंगा। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर और अब चलते हैं घर के अंदर। फिर से टाइम हो गया गोविंद को एग्जाम सेंटर से लेके आने का, तो चलो लेने चलते हैं उसको। लो जी, तो अब पहुंच चुके हैं हम गोविंद के स्कूल और उसको लेने, और अभी हम ले रहे हैं मूंगफली। ठंड के समय में मूंगफली खाने का अपना अलग ही मजा है। तो थोड़ी थोड़ी मेरे को टेंशन भी हो रही है, क्योंकि ये मेरा नया फोन से मैं है जिससे मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कर रहा हूँ, और कैमरा क्वालिटी इस बारी आपको अच्छी लगेगी, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी इसमें। और मैं नए फोन की भी वीडियो बनाऊंगा जो मैंने अब नया फोन लिया है, और आप मेरे को बताना एक बारी जरूर वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, वीडियो क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। लो जी, तो बच्चों की हो गई है छुट्टी और अब हम देखेंगे कि बच्चों के जो पेपर है वो कैसे हुए हैं, और ये देखने के लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ जी बच्चों, तो पेपर तुम्हारे कैसे गए? बढ़िया गया भाई, पेपर इजी था, मुश्किल था, मॉडरेट था, कुछ मॉडरेट था, एक कह रहा भाई मुश्किल, एक कह रहा इजी। चलो अपने भाई से पूछता हूँ उसका पेपर कैसा गया। कैसा गया पेपर? बस बढ़िया। इजी था, मुश्किल? ठीक ठीक था। तो एक का पेपर कैसा गया तेरा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लो जी देखो, कुछ बच्चे यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं पेपर की, तो हम भी ऐसे ही करते थे जब पेपर हो जाता था, तो दोस्त मिलके साइड पे खड़े होके डिस्कशन करते थे कि भाई पेपर कैसा गया, तेरा कैसा गया, मेरे कैसा गया, कौन से वो है क्वेश्चन जो है वो ठीक है, कौन से जो क्वेश्चन है वो गलत है। तो अब पेपर हो चुका है बच्चों का, मेरा भाई गोविंद आ रखा है बाहर,
तो गोविंद पेपर कैसा गया? इजी आया था, मुश्किल है? ठीक ठीक आया था। चलो ये अच्छा है कि तैयारी इतनी नहीं करके गया था, पर फिर भी पेपर ठीक ठीक आ गया और ठीक ठीक हो गया। और अब चलते हैं, अब अगले पेपर की तैयारी है। अगला पेपर मैथ्स का है, वो इसमें एक दिन की छुट्टी है मिली है इनको। और अलग अलग जो स्कूल के बच्चे हैं वो आ रखे हैं। आपका कौन सा स्कूल है आदर्श? यही वाला सेम? ठीक है। अपने दोस्तों के साथ पेपर डिस्कस कर रहा है। तो अभी मेरे को यहाँ पर और भी बच्चे मिले हैं जो बता रहे हैं जिन पेपर आज का जो है वो टफ आया था, और पेपर एक भी बच्चों का अच्छा नहीं गया। मैं बताता हूँ, पेपर ऐसा है ना, सीबीएसई का दिया पेपर, ये साल होने पता नहीं क्या पेपर है, कुछ नहीं आया, कहते हैं पास करा देंगे। तो देख लो ये बच्चों के रिएक्शन है। ठीक है, आया होगा भाई पेपर तब। तो भाई साहब, अभी जितने लोगों से बात करी है, जितने बच्चों से बात करी है, उनसे यही पता लगा है कि आज का जो पेपर है साइंस का वो काफी टफ आया है और बच्चों को देने में काफी प्रॉब्लम हुई है। मतलब बच्चे कह रहे हैं एनसीईआरटी में से जो पढ़ा था वो आया नहीं है, बाहर से काफी ज्यादा आया है। बच्चों के जो मुंह हैं वो उतरे हुए हैं आज एग्जाम हॉल के बाहर। कैसा था? ज्यादा टफ था भाई साहब। बच्चों की शक्लें उतरी हुई हैं यार, इतना भी टफ नहीं देना चाहिए सीबीएसई को पेपर। ऐसा देना चाहिए कि जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर सके और अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो भाई ये हैरी आता ही नहीं वीडियो में। मुश्किल था आज का पेपर, बहुत मुश्किल था। अब ये तो अन्याय है यार बच्चों के साथ। एक दिन में साइंस का पेपर, फिर एक छुट्टी दे के फिर मैथ्स का पेपर, दोनों मुश्किल सब्जेक्ट, वो भी एक साथ। जा झूठा मेरे को कह रहा था कि भाई बहुत खराब पेपर गया, पास हो जाऊं, वो बोलता है। अरे अब तू कैमरा देख के कह रहा है पेपर बहुत अच्छा। हाँ झूठे, चल झूठा तू। अभी कह रहा था, पिछली वीडियो में इसकी डालूंगा, अभी कह रहा था। हाँ भाई साहब, बड़ा आजकल के बच्चे बड़े झूठे हैं यार, बहुत झूठे हैं, एक मिनट में बाजी पलट लेते हैं। तू झूठा, तू मोटे। तो चलो अब खड़ी है अपनी गाड़ी यहाँ और चलते हैं हम अपने घर। कोई बात नहीं, जैसा भी पेपर गया ठीक है, अगले पेपर की तैयारी करो, हिम्मत मत हारो, मन मत दुखी करो। मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर और अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो।